चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये चैप्टर माइकल मोरपुर्गो के द्वारा लिखा गया है। माइकल मोरपुर्गो का नाम काफी लंबा है तो हम इन्हें माइक से बोलेंगे। तो माइक, अपने लाइफ के एक मोमेंट को इस चैप्टर में लिखते हैं। वो बताते हैं कि वो यूके उत्तराखंड नहीं यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटपोर्ट इलाके में टहल रहे थे। टहलते वक्त उन्होंने एक जंक शॉप को देखा। वो जंक शॉप वो शॉप है जिसमें सेकेंड हैंड आइटम्स मिलता है। वो जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क को देखा। वो रोल टॉप डेस्क के बारे में पूछते हैं तो रिप्लाई आता है कि रोल टॉप डेस्क 19th century पुराना और ओक ट्री के लकड़ी से बना है। माइक को ये रोल टॉप डेस्क चाहिए था। माइक को फर्स्ट हैंड का जब भी याद आता था तो उसे अपने औकात भी याद आ जाता था क्योंकि फर्स्ट हैंड काफ़ी महंगा था। ये सेकेंड हैंड काफ़ी बैड कंडीशन में था। ये काफ़ी सेवरल पीसेस में टूटा हुआ था। एक पैर कमज़ोर था और एक साइड में स्कॉच मार्क्स भी था। ये काफ़ी सस्ते में मिल जाता तो माइक सोचते हैं कि वो इसे रिपेयर करेंगे। ये एक रिस्क भी था और चैलेंज भी था लेकिन माइक उसे खरीद कर अपने गैरेज के पीछे वर्क रूम में उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। वर्क क्रिसमस से पहले शुरू होता है। सबसे पहले वो रोल टॉप डेस्क के रोल टॉप को हटाते हैं, फिर वो ड्रॉवर्स को हटाना शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि पॉलिशिंग लेयर पूरी तरह से उधड़ चुका था और फायर और वाटर पूरी तरह से अपने कब्जे में रोल टॉप डेस्क को किया हुआ था। लास्ट ड्रॉवर बढ़िया से आराम से हल्के में नहीं खुल रहा था तो उस पर राक्षसी ताकत मतलब ज़्यादा ताकत लगाना पड़ा। फिर वो शार्पली अपने फिस्ट के साइड से उसे खोलते हैं। फिर वो लास्ट ड्रॉवर के अंदर एक स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स था। वो स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स के ऊपर कागज का टुकड़ा सेलो टेप से चिपका हुआ था और उसमें लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915 टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। माइक जानता था कि दूसरों के सामान को खोलना अच्छी बात नहीं है लेकिन उसका क्यूरियोसिटी इतना बढ़ गया कि वो ब्लैक टीन बॉक्स को खोल दिए। अगर इसका क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ता तो आपका चैप्टर भी ख़त्म हो जाता और हमें राहत मिलता लेकिन ये चैप्टर बढ़ जाता है। वो ब्लैक टीन बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें एक इनवेलप मिलता है। इनवेलप में एड्रेस लिखा हुआ था मिसेस जी मैकफर्सन 12 कूपर बीचेस ब्रिटपोर्ट डॉरसेट। फिर उसके अंदर के लेटर को वो अनफोल्ड करते हैं। माइक वहां देखते हैं कि ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ है December 26, 1914। तो इसी से अपना इस वीडियो का पहला पार्ट हुआ चैप्टर ख़त्म। और वीडियो को लाइक करें हमें मोटिवेट करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट जल्द ही आएगा। थैंक यू। बाय बाय।